हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान काम ढूंढ कर लाया हूं, और जिसके लिए आपको किसी किस्म का कोई स्किल नहीं चाहिए, और आप आसानी से घर बैठे किसी भी टाइम वो जो है काम कर सकते हैं, और इजीली आप ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। सही है काम। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कैसा काम है, कितना आसान काम है, और आप लोगों को वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि एक दिन के अंदर जो है लोग जो वो काम कर रहे हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, या एक मंथ के अंदर वो कितना अर्न कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को काम दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा कि कहाँ से वो आप लोग जो है वो आपको हेल्प मिल सकती है, किन वेबसाइट से आपको हेल्प मिल सकती है वो काम करने में, और कितनी आसानी के साथ जो है वो आप काम जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आज का ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और फाइबर अकाउंट में मैं ऑलरेडी जो है वो लॉगिन कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको यहाँ पर तो नहीं नज़र आएंगे, लेकिन एक्चुअली वो फाइबर के ऊपर लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है तो पता चल जाता है कि वो काम जो है वो लोग फाइबर के ऊपर कर रहे हैं। सही है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज होती हैं जो मेन कैटेगरीज की जो है वो सब कैटेगरीज होती हैं, तो वो यूजली यहाँ पर नहीं आती, लेकिन वो काम जो है वो यहाँ पर हो रहा होता है फाइबर के ऊपर। तो आज ही वो काम है जो मैं जिसके बारे में आपको बताने लगा हूँ, तो वो है जी पावर पॉइंट स्लाइड्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हैं यहाँ पर लोग जो है काम कर रहे हैं। देखने में तो ये काम बहुत लगता है कि ये कौन सा काम होगा कि लोग इसको स्पेशली फाइवर पर आकर पैसे पे करके करवाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतना टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, या उनके पास ऐसे टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं होते कि वो उन टेम्पलेट्स की मदद से जो है वो काम कर सकें, या वो इतने बिजी होते हैं वो आपको रफ़ सी स्लाइड्स देंगे और आप उनको अच्छी स्लाइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके उसको दे सकते हैं पावर पॉइंट या गूगल के अंदर, गूगल जो प्रेजेंटेशन है उनके अंदर। तो अब देखिए कि जैसे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सर्च किया तो बहुत सारी गिग्स जो हैं वो मेरे सामने ओपन हो गई हैं, और सिर्फ 6,427 लोग जो हैं वो सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप कमा सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स देखूँ तो सिर्फ 270 लोग जो हैं अवेलेबल हैं इस वक्त ऑनलाइन। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लो कंपटीशन भी है और ऐसा काम है जिसमें स्किल आपको रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, यानी कि आपने अगर मैट्रिक एफ़ए भी किया होगा तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की नो हाव होनी चाहिए और थोड़ी सी आपको बेसिक इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, किसी किस्म का स्किल आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा इस तरह की ज़बरदस्ती स्लाइड बनाने के लिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या कुछ अर्न कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं पहले इस पर क्लिक करता हूँ, और फिर ये बंदा जो है वो 1,000 से ज़्यादा कर चुका है, ये वाला फ्रीलांसर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और सिमिलरली मैं यहाँ से रैंडम कोई और पिक कर लेता हूँ, ये 643 कर चुका है, मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ। सही है, एक और बंदा हम देख लेते हैं जरा, यहाँ से ये 472 कर चुका है अभी तक ऑर्डर्स, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए कि मैं आपको रियल टाइम में दिखा रहा हूँ। अब देखिए आज क्या टाइम है जनाब, तकरीबन ये सुबह के 4 बज चुके हैं, और 6 सितंबर 2020 मैं आपको रियल टाइम में दिखा रहा हूँ कि लोग काम कर रहे हैं, और आप देखिए कि 6 ऑर्डर्स इन क्यू हैं इस फ्रीलांसर के पास, और ये $25 के अंदर जो है मिनिमम $25 के अंदर 5 स्लाइड्स बना रहे हैं प्रोफेशनल। सही है, और 3 डेज में ये देगा, और स्टैंडर्ड में ये 75, और प्रीमियम में आपके सामने ये $150 जो है वो फ्रीलांसर ले रहा है, और 6 ऑर्डर्स क्यों में है, यानी कि ये अगर मैं बेसिक ऑर्डर्स भी लगाऊं तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप, तकरीबन $125 के ऑर्डर्स अभी तक इसके पास पड़े हुए हैं जो जिस पर ये काम कर रहा है। अब इस वाले फ्रीलांसर पर आ जाएं तो ये देखिए 13 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, यानी कि यहाँ पे लोग काम उसको दे रहे हैं प्रेजेंटेशन का, तो ये मिनिमम जो है $50 में काम कर रहा है। सही है, समझ आ गई। सिमिलरली आप इधर आ जाइए, इस फ्रीलांसर पर आ जाइए, ये वाला फ्रीलांसर भी मिनिमम $50 में दे रहा है, ठीक है, स्लाइड्स बना के, और जनाब ये 5 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, और ये वाला फ्रीलांसर पर आ जाइए तो ये 6 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, यानी कि अभी तक मैंने रैंडम क्लिक किए थे, मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया, मैंने रैंडम क्लिक किए हैं। तो आप भी बेशक अभी जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो के बाद आप फौरी तौर पर चेक कर सकते हैं फाइवर के ऊपर जाकर, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये लोग एक मंथ के अंदर कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन काम के लिहाज से भी देखें आप। तो
अब ये काम जो है इतनी प्यारी प्रेजेंटेशंस कैसे बन सकती हैं सिंपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, तो ये आपको मिलेंगी नहीं। सही है, तो इस कहाँ से मिलेंगी, कौन सी वेबसाइट से आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल सकते हैं जो एडिटेबल है, इजीली एडिटेबल है, तो मैं आपको वो वेबसाइट बताता हूँ और किस तरह से आप उनको एडिट कर सकते हैं मैं वो भी आपको पूरा तरीका समझाता हूँ, तो उससे आप इजीली जो है ये काम कर सकते हैं और आपको किसी किस्म के कोई हाईली जो है स्किल, जो आपको हाई किस्म का स्किल नहीं चाहिए होगा। तो चलिए मैं आपको वो वेबसाइट्स बताता हूँ या वो तरीके बताता हूँ जिससे आप बहुत ही मॉडर्न जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं बना सकते हैं। तो जनाब जिस वेबसाइट से आपको फ्री में मिल सकते हैं, एक्चुअली मैं आपको दो वेबसाइट्स बताऊंगा बहुत अच्छी, और वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री जो है वो टेम्पलेट्स जो हैं वो हज़ारों की जो है वो क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से टेम्पलेट्स उठा सकते हैं पर्टिकुलर जो भी आपको चाहिए। तो जो पहली वेबसाइट है वो है जनाब canva.com, जिस पर मैं पहले भी काफ़ी आप लोगों को जो है वो मटेरियल बताता रहता हूँ। तो यहाँ भी आपको प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत सारी स्लाइड्स जो है मिल सकती हैं जिनको आप इजीली एडिट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं फ्री टेम्पलेट्स। और कैनवा पे जो अकाउंट बनाने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक से जाकर कैनवा पर साइन अप कर सकते हैं। सही है, तो मैं अभी जो कैनवा अकाउंट मेरा है मैं उसमें लॉग इन करता हूँ। तो जब आप कैनवा अकाउंट में लॉग इन कीजिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मेन पेज पर आप यहाँ से आप सिंपल इस यहाँ पे सर्च कर लें प्रेजेंटेशन, जो मैंने पहले ही सर्च किया हुआ था, अब यहाँ से सर्च करें तो अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है फ्री में शो हो रहे हैं। अब जिस तरह का भी आपने जो है बनाना है प्रेजेंटेशन, उसी के लिहाज से आप जो है वो यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो टेक्निकल है या मैनेजमेंट के हवाले से है, किसी भी हवाले से है, तो यहाँ से आप जो है वो टेम्पलेट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैंने ये वाला टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट किया, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इसके रिलेटेड जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो भी साइड पे जो है वो आपको बता देगा कैनवा वाले। तो ये देखिए मेन स्लाइड जो है वो, यानी कि जो टाइटल पेज है वो ओपन हो गया, और उसके साथ जो सब टाइटल यानी कि दूसरी जो स्लाइड्स होती हैं, सब जो स्लाइड्स होती हैं वो भी आपको मिल गई हैं। यानी कि आपने अगर नेक्स्ट पेज ऐड करना है तो आप इसमें से कोई भी पेज जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। लेट से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने कुछ भी एडिट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पर आप सिंपल इसको डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये ख्याल रहे आपका कि ये जो पिक्चर्स वगैरह हैं, ये देखिए ये आप ऊपर कैनवा लिखा हुआ, तो ये वाली पिक्चर्स जो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो फोटोज़ में जाइए, यहाँ से आपको बेतहाशा ये देखें जिस पिक्चर पर फ्री लिखा होगा आप उस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री वाली पिक्चर्स भी काम नहीं है, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आपको फ्री पिक्चर्स जो है मिल जाती हैं, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं अपने लिहाज से। उसके बाद जब आप इसी तरह प्रेजेंटेशंस बना लें, एडिट कर लें, तो आप यहाँ पर देखिए तो आपको राइट साइड पर जो है वो एक डाउन एरो नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो लिखा हुआ है डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की शक्ल में जितने भी आपने पेजेस हैं वो डाउनलोड करने हैं। ये चूँकि प्रीमियम डॉक्यूमेंट्स थे इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि आप पैसे पे करें, लेकिन लेट से मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, तो अब मेरे पास मेरा ख्याल है कि प्रीमियम कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब वो जो है वो डाउनलोड, देखें अब वो डाउनलोड के ऑप्शन दे रहा है। तो अब सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स आपने एडिट की होंगी वो एज पावर पॉइंट जो है वो स्लाइड्स वो डाउनलोड हो जाएंगी। सही है, तो यहाँ से कैनवा से आप जो है वो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो वेबसाइट है वो है जनाब स्लाइड कार्निवाल। ठीक है, स्लाइड कार्निवाल पर आप जाएंगे तो आपको जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि slidecarnival.com। तो यहाँ भी जो है वो हज़ारों टेम्पलेट्स जो हैं वो फ्री में पड़े हुए हैं, जैसे आप देखें कि ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है फ्री पावर पॉइंट टेम्पलेट्स एंड गूगल स्लाइड्स थीम्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पे आप कोई भी अपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इस पे बेशक लेट से मैं ये वाली जो है प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक किया और आप देखिए कि यहाँ पर वो ऑप्शन भी देगा आपको कि आपने उसको डाउनलोड कैसे करनी है। यहाँ पर आना चाहिए, देखें यहाँ पर आ गया डाउनलोड एज पावर पॉइंट टेबलेट और यूज़ एज गूगल स्लाइड थीम। तो आप इसको बेशक पावर पॉइंट में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए डाउनलोड कर लें, और अगर आप गूगल स्लाइड्स यूज़ करने में कंफर्टेबल है तो आप इस पर जस्ट क्लिक करें तो वो गूगल स्लाइड्स जो आपका गूगल अकाउंट है उसके अंदर वो स्लाइड्स को ओपन कर देगा। सही है, तो आप उसके बाद इसको ईजिली एडिट करके तो पावर पॉइंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी लोग गूगल स्लाइड्स यूज़ करते हैं उनको पता है कि वो गूगल स्लाइड्स को किस तरह से, यहाँ पर यूज़ टेम्पलेट की ऑप्शन है, आप यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो गूगल स्लाइड्स के अंदर जो है वो ओपन कर देगा। सही है,
जैसे वो गूगल स्लाइड्स के ऊपर ओपन करता है तो उसके बाद आप इसको इजीली एडिट करें, गूगल स्लाइड्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही होता है गूगल स्लाइड्स भी, कोई दोनों में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। गूगल स्लाइड्स का ये फ़ायदा है कि आपको ऑनलाइन जो है वो आप इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें जितनी भी उससे रिलेटेड स्लाइड्स थी वो सारी की सारी ओपन हो गई हैं, सही है। तो टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिहाज से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, उसकी चेंज करनी है। और जब आप गूगल स्लाइड्स में करें तो अगर आपको कस्टमर ने गूगल स्लाइड के अंदर मांगा है तो गूगल स्लाइड्स में दे दें, अगर आपको उसने पावर पॉइंट मांगा है तो यहाँ तक फाइल में जाए और डाउनलोड एज देखें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डाउनलोड करें या उसको दे दें, जिस भी फॉर्मेट में से मांगा हुआ है, PDF में मांगा हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मांगा, तो आप इसको एज ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डाउनलोड करें और जो है उसको ईजिली आप जो है कस्टमर को या क्लाइंट को दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है, जो ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा। ऐसा ही है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपकी मर्ज़ी की तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।